राज्यों से आए सहारा इंडिया इंश्योरेंस के एजे इंडिया इंश्योरेंस में लाखों उपभोक्ताओं की गाड़ी कमाई डूब चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सहारा इंडिया किसी भी उपभोक्ता का पैसा लौटा नहीं पा रहा। इसी के विरोध में संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले अयोध्या में दूर दूर से आए एजेंटों ने एकजुट होकर सहारा इंडिया में पैसा लगा चुके आम जनता के हित की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया, जिसमें मोहित कुमार प्रदेश अध्यक्ष बिहार, जिला अध्यक्ष अरविंद सिंह, अयोध्या संसार सिंह, उत्तर प्रदेश उत्तर कुमार, उड़ीसा सतीश चतुर्वेदी, प्रदेश प्रभारी मध्य प्रदेश आरती पाल, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड मनोज शर्मा, प्रदेश प्रभारी आसाम जितेंद्र खरे, प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रभात कुमार, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड सहित 16 राज्यों के प्रदेश कमेटी एवं अजीत कुमार मणि भूषण राम सुरेश पांडे अध्यक्ष भारतीय समाज पार्टी ब्यूरो चीफ अंकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जरा याद करो, राम प्रसाद बिस्मिल को क्योंकि संगठन ने मुझे बिहार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया। मेरा नाम मोहित कुमार है। 2023 को लेकर के हम लोग राजनीतिक पार्टियों को लेकर चुनौती खड़ा कर रहे हैं कि देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक मुद्दा है तो सारा इंडिया का मुद्दा है। राजनीतिक पार्टियां अगर वो 2024 में जो पीएम का कोरा करना चाहती है तो उनको सबसे पहले सारा इंडिया भुगतान कराना होगा, क्योंकि हम लोग 1 करोड़ निवेशक है और उसको अगर निवेशक को प्रत्येक निवेशक को एक आदमी टर्निंग मेंबर को जोड़ते हैं तो 125 होता है, यानी कि 65 करोड़ के लोग प्रभावित है सारा इंडिया को भुगतान को लेकर। अगर इसको जल्द से जल्द आर्थिक पार्टियां सुनवाई नहीं करती है और भुगतान को लेकर काम नहीं करती है तो आगामी लोकसभा चुनाव में हम लोग जो है केंद्र को वर्तमान से केंद्र सरकार की सरकार है उसका विरोध करेंगे हम लोग। अध्यक्ष जी, आज जो आपका ये कार्यक्रम का हो रहा है ये किस विषय को लेकर है? देखिए, हम लोगों ने 17 तारीख और 18 तारीख दो दिवसीय कार्यक्रम ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की राज्य कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक संयुक्त बैठक की, जिससे देश में सहारा पीड़ितों के साथ हो रही अन्याय, भारत सरकार और मीडिया तंत्र, सहारा प्रबंधन तंत्र, सुब्रत राय, ये गठजोड़ के कारण पीड़ित लोगों का पैसा वापस नहीं हो पा रहा है। इस कारण सारे लोगों ने एक रणनीति के तहत अपनी पूरी दो दिवसीय यात्रा तय की है और आज इसका समापन का कार्यक्रम है। इस नाते हम सभी साथी आज का जो कार्यक्रम का समापन लगभग 5 से 7 बजे के बाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इसके गंतव्य